हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? वेलकम टू टुडेज व्लॉग। स्वागत है आपका। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। रात के दिन की शुरुआत हो चुकी है। टाइम जहाँ तक मुझे दिख रहा है हो गया है 10:45। तो मैंने जस्ट व्लॉग एडिट किया, तो थंबनेल वगैरह बनाया। लोगों को नहीं पता कि मेरी टाइमिंग क्या व्लॉग की अपलोड होने की, तो 11 से 11:30 मतलब 11 से 11:15 के बीच में अपलोड हो जाता है। एंड कल मैंने लैपटॉप बिल्कुल नहीं खोला, एंड कल का जो काम है वो भी आज करना पड़ेगा, तो मतलब डबल काम है आज। तो फिलहाल ओपन करते हैं लैपटॉप, तो अभी देखते हैं सारे क्या क्या कर रहे हैं, एंड उसके बाद करते हैं अपना काम स्टार्ट। पापा, आप क्या हवा फैला के बैठे हुए हो? अंदर भी वो गर्मा वाजु है ना। हाँ। क्या बोलते हैं उसको, जो अंदर ज्यादा पड़ास है उसको बाहर निकाल रहा हूँ। पापा ने एसी भी लगाया है, पंखा भी फुल स्पीड पे चल रहा है। कर दें 2 घंटे। पापा बोलते हैं ठंडिया कर लूँ मैं रूम, उसके बाद बंद कर दूंगा। सेहत ठीक है आपकी? और फिर वही सब हो गया, जितनी देर तक थोड़ा कराती हूँ, दवाई शवाई खाती हूँ, थोड़ा फर्क होता है। सो गाइज, मैं काम कर रही थी लैपटॉप पे, काम तो करने बैठी थी, बट आधा घंटा हो गया। एक फ्रेंड थी, उसका कॉल आया था, तो आधे घंटे से हम गप्पे मारी जा रहे हैं और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा 12:30 हो गया। तो गाइज, मैं आज आपके लिए रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने जा रही हूँ, शाम में बनाऊंगी, देखती हूँ ठीक है, थोड़ा रेस्ट करके। तो अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मम्मा ने आवाज मार देनी है अभी लंच करने के लिए। सो गाइज, मैं अभी उठी, जस्ट ऐसे आ रहे ना येलो, पर इसकी ब्लू शेड आई, देखो ऐसे ब्लू, ऐसे येलो रहते हैं, ऐसे ब्लू। यार एक तो पता नहीं किसने काम लगाया हुआ है, 3-4 दिन से काम चल रहा है, और जैसे वो नहीं होता टाइल्स कटिंग वाला, वैसा काम है। इतना ज्यादा शोर है ना, बता दिया पागल। मेरी दीदी देखो गाइस, आके मुझसे बात ही नहीं करती और मुझे भगाती है यहाँ से दूर। मैं अभी थकी हुई और अभी सोने भी लगी है, देखो बिना बातचीत किए। तो गाइस, ये अर्शी पागल सोने लगी है, आते ही पता नहीं ऐसा लग रहा है कोई गोडी करके आई है। दीदी के हाथ की चाय पियो और सिर दर्द दूर करो। दीदी के हाथ की चाय पियो और सिर दर्द दूर करो। गाइज, हुआ ये कि ये इसलिए रो रही है लड़की क्योंकि इसको सिर दर्द हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको सोने नहीं हुआ, मेरे को भी नहीं सोने हुआ, मेरे को भी खुद ये सिर दर्द, आंखें दर्द हो रही हैं। हम लेटे हुए थे तो हमने सोचा था 1-1 घंटा सोएंगे, है ना, लेकिन ऊपर काम लगा हुआ था, ऊपर वाले जो रहते हैं ना उन्होंने काम लगाया हुआ था, कुछ दरवाजे वगैरह बना रहे हैं, तो वो मशीन पूरे त्याड़ी गुर्र ठक 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 लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था सिर पे पेच मार रहा है कोई, जैसे ठक आ रहा था सिर पे कोई मार रहा है थोड़ी। अभी जस्ट वो गए हैं तो अभी शांत हुआ है। निकाली अपना यूकुलेले और मैं कॉर्ड शीट बना रही थी क्योंकि मुझे एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना है म्यूजिक चैनल के लिए वगैरह। पी ली, पापा मम्मा गए हैं डॉक्टर के पास, तो मुझे लगा कि वो अभी आ जाएंगे, तो फिर मुझे मतलब मैं ऊपर वाले रूम में जाऊंगी रिकॉर्ड करने के, फिर वापस नीचे आना पड़ेगा, तो मैं अभी चाय बना के रख देती हूँ क्योंकि वो बोल रहे थे हम निकलने वाले हैं। मैं आ गई थी काम शाम खत्म करके ऊपर, एंड मैं यार कमेंट्स रीड कर रही थी, एंड बहुत दिनों से ना कमेंट्स आए हुए थे कि यार आप वीडियोज बना दो, आपके पास क्या क्या कलेक्शन है। काफी सारी चीजों की कलेक्शन पूछी हुई थी, जैसे फुटवेयर की, इयर रिंग्स की, कॉस्मेटिक्स की, तो मतलब मैं सब कवर करने वाली हूँ आने वाले व्लॉग्स में। तो मुझे लगा आज मैं इयरिंग्स की कवर कर लेती हूँ कलेक्शन। एंड इयरिंग्स गाइस मेरे पास 2 तरह के हैं, एक तो है जो वेडिंग में पहनते हैं एंड एक जो नॉर्मल कैजुअल वेस्टर्न वेयर हैं। तो फर्स्टली यार मैं कवर करने वाली हूँ वेडिंग वाले, क्योंकि वही इतनी ज़्यादा मतलब थे कि मुझे लगा कि दोनों एक साथ कवर करूँगी तो बड़ा हॉचपॉच सा हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे लगा चलो इसी ड्रेस में बना देते हैं वीडियो। एंड चलो गाइस फिर स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास कलेक्शन है मेरे और अर्शी के पास, जो वेडिंग में हम इयरिंग्स पहनते हैं, तो 1 by 1 करके देखते हैं। और ये इयरिंग्स किसी भी मतलब जो शादी में हम लेते हैं थोड़ी हैवी ड्रेसेस उसके साथ इतने प्यारे लगते हैं, क्योंकि हैवी मतलब दिखते हैं है नहीं। हाँ देखो ये कितने प्यारे से लग रहे हैं, मतलब ऐसे में खाली बैठी हूँ, इन इयरिंग्स की वजह से कितनी लुक आ गई है पूरे गेटअप में, तो ये बहुत ही प्यारे इयरिंग्स। ये भी मतलब जैसे न्यूड कलर की थोड़ी लाइट में ड्रेसेस होती हैं, जैसे पिंक हो गया बिल्कुल लाइट में, फिरोजी, तो इनके साथ ये बहुत अच्छे जाते हैं। तो मेरे पास एक्चुअली इसी कलर का एक ना ऐसे मतलब थोड़ा शाइनिंग में सूट था, तो मैंने उसके साथ ये पहने थे, एंड ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप देख सकते हो मैं साथ साथ मैं आपको लगा के बता रही हूँ कि मतलब लुक कैसी आती है हर एक इयरिंग की। इयरिंग्स आते हैं ये हल्का पीच कलर में है, लाइट पीच में, उसी डिजाइनिंग में है, मतलब हल्का सा फर्क है, लेकिन जो मतलब इसके ये जो है मोती लगे हुए इनके कलर में डिफरेंस है। एंड ये भी यार बहुत ही प्यारे लगते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे मन कर रहा है मैं सारे पहन लूँ। हमारे पास एक थोड़े अलग कलर अलग तरह के इयरिंग्स है, मतलब जब मैं इसको लेने गई थी मैं इसकी डिजाइनिंग को देख के मतलब मुझे काफी अच्छा लगा था इसका डिजाइन,
ये देखो आप, मतलब बीच में ऐसे मिरर लुक है एंड नीचे बीट से लगे हुए हैं एंड ऊपर भी कुछ अलग सा लुक दिया हुआ है। तो जैसे मतलब मेरे पास एक ब्लू कलर की ना लॉन्ग में ऐसे फ्रॉक सूट था, तो मैंने उसके साथ ये पहने थे एंड जूड़ा किया हो बाल ऐसे, मतलब बंद करके जूड़ा करके ये इयरिंग, क्योंकि ये जो इसका ऊपर टॉप है ये बिल्कुल कान के साथ फिक्स होता है, जैसे कहीं होते हैं ना हैंगिंग होते हैं, तो ये बहुत ही प्यारी लुक देते हैं। देखो ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है ऐसे कान के साथ। गाइज इयरिंग है वन ऑफ माई फेवरेट इयरिंग्स है ये, ये देख लो, ये थोड़ा ना मरूनिश एंड बीच में थोड़ा मरून पिंक ऐसे उसका कुछ ब्लेंड करके एंड साइड पे कॉपर है एंड नीचे भी थोड़े जो बीड्स हैं थोड़े हल्के क्रीम लुक में हैं। तो ये इतने प्यारे हैं ना, आपको बड़े दिख रहे होंगे, हैवी लग रहे होंगे, बट दीज आर नॉट हैवी। और ये किसी भी वेडिंग ड्रेस जो हल्की हैवी हो है ना, और जिसमें सिर्फ ये वाला काम हो या थोड़ा ये वाला कलर हो, ये दोनों के साथ मतलब ऑलमोस्ट ये मेरी हर एक ड्रेस के साथ निकल जाते हैं। नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने ये सिंपल कुर्ता पहना है, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी इयररिंग्स दिखाए हैं आपको ऐसे लगा कि सबके साथ इस मतलब इस कुर्ती के साथ सब इयररिंग्स आ रहे हैं। बात गाइज ये इयरिंग्स है हमारे पास, ये पूरी कॉपर लुक में है, जैसे उसमें ब्लेंड था लेकिन ये कॉपर में और नीचे इसका एक बीड दिया गया है एंड ये भी प्रॉपर हर एक ड्रेस के साथ जाते हैं क्योंकि इसमें कोई और कलर नहीं है, किसी कलर का मिक्सचर नहीं है। तो जिस भी आपके सूट में ये हल्का सा मतलब ये कलर होगा ये हर एक के साथ चल जाते हैं। तो ये मोस्टली मेरे हर एक वेडिंग ड्रेस के साथ जहाँ पे गोल्डन हो हल्का सा ये मतलब मैं वेयर कर लेती हूँ। ये बड़ी प्यारा प्यारे पूरा कान भरा हुआ है, देखो एकदम ना कोई लटकता है ना कुछ, एकदम भरे भरे लगते हैं। है मेरे पास ये वाले इयररिंग्स, बीच में मिरर है एंड मेरे को इसकी ये चीज बड़ी ही अच्छी लगती है। तो ये बड़े ही बहुत ही लाइट वेट है, इसका वेट है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है, पता ही नहीं चलता। तो मैं मोस्ट प्रेफर करती हूँ ये इयररिंग्स डालना अगर किसी में भी मरून कलर या हल्का सा ऐसा कलर आता है, तो ये भी बहुत प्यारी लुक देते हैं। ये थोड़े अलग से इयररिंग्स हैं हमारे पास, जैसे कि ये आपने देखा होगा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में आते हैं, तो इसमें जैसे इसका जो कलर है बड़ा ही मतलब यूनिक सा लगता है एंड इसकी सबसे खास बात ये है कि आजकल ये वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर भी लोग बहुत पहनना प्रेफर करते हैं एंड ये अलग ही एक झुमका लुक देता है। इयररिंग्स हैं ये, मैंने काफ़ी पहले लिए थे, ये ऑरेंज शेड में है, मतलब ये थोड़ा सर्कुलर इसका डिज़ाइन है एंड शेड इसकी ऑरेंज है, बहुत पहले लिए थे, उसके बाद मैंने कोई ऑरेंज कलर का सूट ही नहीं लिया जिसको मैं वेडिंग में डालूं। इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ये इयररिंग्स भी आते हैं, इसका साइज उससे थोड़ा छोटा है एंड मोती भी इसका थोड़ा अलग टाइप का है और कलर इसका थोड़ा पिंक में आ जाता है, तो ये भी बहुत ही प्यारे। एंड नॉर्मली अगर आपने कोई लाइट मतलब सूट वेयर किया हुआ है जिसमें उतनी ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं है, है ना, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ डालना। इसमें हल्का सा बस मिरर लुक है एंड नीचे इसके मोती लगे हैं डिफरेंट कलर के, तो ये भी मतलब जो लाइट वाला मेरे को लुक लगता है, मतलब जैसे ये कुर्ता है ना, इसमें कुछ इतनी कढ़ाई नहीं है, तो अगर कहीं भी जाना है तो मैं इसको वेयर कर सकती हूँ, ये बहुत प्यारे लगेंगे। ये जो इयररिंग्स हैं ये हमने शायद काफ़ी सदियों से नहीं पहने हैं, ये कुछ इयररिंग्स हैं जो बहुत पहले लिए थे एंड उसकी कलेक्शन पड़ी है बट पहने नहीं है। उसी पैटर्न को सर्कुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए ये इयररिंग है, ये ब्लड रेड कलर में आते हैं एंड इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो मोतियों का इसमें वर्क हो रखा है एंड बट अब मेरे को इतनी चमचम पसंद नहीं है, पहले मैंने इसको ले लिया था बट अच्छे लगते हैं ये इयर की। बाद अगर मैं अपने झुमका जो इयररिंग्स हैं उस पैटर्न में आऊँ तो मेरे पास एक ये इयररिंग्स हैं, ये मतलब डार्क ग्रीन में है एंड इस कलर का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ था एंड अभी भी है इसका ट्रेंड। ये मेरे को हल्के से हैवी लगते हैं क्योंकि ऐसे आपको देखने में लग रहा होगा कि बिल्कुल थोड़े उतने ज़्यादा नहीं है वेट इसका, लेकिन मेरे को हल्का सा हैवी लगता है बट ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अगर आपका फ्रॉक सूट है या वैसा मतलब कुछ है आपका लॉन्ग, बाद इसी लुक में ब्लैक कलर की इयररिंग्स है, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं क्योंकि इनका कुछ वेट नहीं है, ये जो नीचे झालर सी लगी हुई है ना ये बहुत ही प्यारी लगती है मेरे को एंड वो ग्रीन में थे, ये एकदम ब्लैक कलर में एंड छोटे बिल्कुल, ये बहुत प्यारे लगते हैं यार। बाद गाइस हमारे पास एक इयररिंग्स हैं जिसका मुझे डिज़ाइन थोड़ा यूनिक लगता है, जब मैंने इसको बाय किया था तो इसके डिज़ाइन को देख के किया था, लाइट वेट से ये देखो ये इयररिंग्स है, झुमके में ही आप कंसीडर कर सकते हो इसको, बिल्कुल एकदम लाइट वेट एंड थोड़ा मोर का स्टाइल है, मतलब इसमें डिजाइनिंग है जो एंड ये पूरे ईयर को ऐसे कवर करते हैं, मतलब झुमके स्टाइल में मैंने ये बड़े पहले लिए थे, अब मैं इसको पहनती नहीं हूँ बट चलो मेरे पास हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कलेक्शन बता रही हूँ तो ये इयररिंग्स हैं, तो इसका भी नीचे से वैसे ही है एंड ब्लू एंड सिल्वर में है, ये भी काफ़ी अच्छी लुक आती है इन इयररिंग्स की।
और ईयरिंग्स मिले हैं जो मुझे मोरपंख स्टाइल में मिले हैं, बट ये ना ज्वेलरी थोड़ा सा आपको सेट अगर आपने पहना हो ना एकदम पतला सा, जैसे हम देखते हैं ना डायमंड सेट आते हैं, तो उसी की फॉर्म में अगर आपने कुछ वैसे वाला सेट पहना है जिसके इस कलर के मोती हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। मोती है ये भी बहुत प्यारा है एंड बहुत अच्छी सी लुक है इन ईयरिंग्स की। अब मैं आपको थोड़े और लाइट ईयरिंग्स बता रही हूँ जो कि एक आप ले सकते हो कि डोगरे कांटे बोलते हैं, है ना, आपको पता ही होगा, मतलब थोड़ा सा छोटा होता है, इतने बड़े बड़े नहीं होते एंड बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। जैसे कि एक मेरे पास ये डिज़ाइन है, बहुत ही पतले से स्लीक से ईयरिंग्स हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं ईयरिंग्स, आप देख सकते हो। पैटर्न में हमारे पास एक और आ जाते हैं लेकिन ये पीच कलर में है कभी, तो ये भी आप कोई लाइट कुर्ता या कुछ वैसा है वैसे पहन सकते हो। ये देखो प्रॉपर डोगरे जैसे झुमके होते हैं ना, ये हैं कॉपर कलर में, ये मम्मा ज़्यादा वेयर करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा अगर किसी ड्रेस में जा रहे हो तो अच्छी सी लुक देते हैं, बिल्कुल लाइट वेट। के बाद है गाइज ये नॉर्मल से ईयरिंग्स हैं जो कि मैं बहुत मतलब पहले वेयर करती थी, अब बिल्कुल ना के बराबर वेयर करती हूँ क्योंकि इस कलर का मैंने कभी ड्रेस ही नहीं लिया वापस, एंड ये भी बिल्कुल लाइट वेट से हैं, आप देख सकते हो कोक शेड में। आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमने जागो के फंक्शन के लिए ईयरिंग्स लिए थे, अर्शी ने भी और मैंने भी। ये देखो गाइस ये इतने प्यारी इयरिंग्स हैं, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे नेट वाला वर्क है ना, क्योंकि इसमें क्रिस क्रॉस डिजाइन है एंड नेट की शेड में है, पर ये इतने ज्यादा प्यारे और इतने लाइट वेट हैं, ये बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। लिया था ग्रीन कलर, मैंने इसी में लिए थे पिंक कलर, क्योंकि जो मेरा सूट था वो पिंक कलर का था एंड अर्शी का था ग्रीन कलर का था, तो आपने देखा होगा जिसमें मैंने फुलकारी, मैंने और अर्शी ने फुलकारी, क्योंकि हमारा थीम था तो उसने ग्रीन कलर की फुलकारी ली थी, मेरे में पिंक थे, अच्छी लुक थी। मैं आपको ये वाला ट्राई करके बताती हूँ क्योंकि सर मेरे पास टिक्का भी अभी पड़ा हुआ है, मैंने इसको वेयर कर लिया, बट ये बहुत ही प्यारी सी लुक दे रहे हैं एंड जैसे पंजाबियों वाली लुक होती है ना प्रॉपर, जैसे फुलकारी वगैरह ली हो इस पर तो बड़ी ही अच्छी लगती है। छोटे छोटे झुमकों की बात करूं तो ये मम्मा ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट कई बारी मैं भी पहन लेती हूँ कहीं कुर्तीज के साथ, ये बिल्कुल लाइट से हैं, छोटे छोटे लाइट वेट। एंड अगर आपको वेस्टर्न वाले इयरिंग्स का मतलब टॉप्स का इयरिंग्स का अगर पार्ट टू चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वो भी बना दूंगी इसी पैटर्न में फॉलो करते हुए। ये झुमके भी हैं, ये भी बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, आप देख सकते हो। जो मेरे मोस्ट एक्सपेंसिव ईयरिंग्स हैं अभी तक के, आपने देखा होगा मैंने मतलब अमृतसर से एक सूट लाया था, मैंने आपको बताया भी था, ऐसे लाइम कलर में था। ये जो ईयरिंग्स हैं बहुत प्यारे हैं गाइज, आप देख सकते हो, मतलब इसका लाइम नीचे से कलर है, लाइम के साथ साथ ये जो है ना ये क्रीम कलर के इसमें बीड्स लगे हुए हैं, ये जो मोती लगे हुए हैं ये अलग ही इसको लुक देते हैं, इनको इतना ऐसे ऐसे करके इतना मजा आता है ना इनको, एंड इसके साथ इसका टिक्का भी था, तो मैं अगर इसको वेयर करके बताती हूँ आपको, जरा मेरे को मन कर गया इसको पहनने का, कर लिया वेयर, ये नहीं ठहर रहा क्योंकि मेरे पास अभी पीने नहीं है, तो मैंने इसको इसे हाथ से ही पकड़ा हुआ है, तो आप देखो इसकी कितनी प्यारी सी लुक आ रही है। आज की कलेक्शन के जो मैं लास्ट ईयरिंग्स बताने जा रही हूँ वो बेसिकली इंडो वेस्टर्न है, ठीक है, वो इंडियन ड्रेसेस के साथ भी चले जाते हैं, और अगर अपने कुछ वेस्टर्न पहना है तो ये मैंने स्पेशली उसके लिए थे, जैसे अपने वन पीस पहना है लॉन्ग में तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, एज वेल एज अगर आपने कुछ फ्रॉक सूट पहना है कुछ हल्का सा हैवी, जैसे ये मैंने ना वेलवेट का मेरे पास सूट था इस कैरी किया हुआ है, उसके ऊपर भी ये बड़े अच्छे लगेंगे, एंड कोई फ्रॉक सूट या सूट कुछ हैवी लाइक वेलवेट का सूट या कुछ कैरी किया तो उस पर भी ये बहुत ही अच्छे तरह से जाते हैं। देखो इसकी अलग ही लुक आती है इयररिंग्स की। ये है ओवरऑल हमारे पास जो वेडिंग के टाइम हम प्रेफर करते हैं इयररिंग्स पहनना। इन इयररिंग्स की रेंज की बात करूं तो मैक्सिमम जो इयररिंग्स हैं 500 to 600 के अंडर ही हैं, बट कुछ कुछ इयररिंग्स हैं, कुछ इयररिंग्स हैं जो कि 800, 1200, 1300 के ऊपर कोई भी नहीं है, 1300 के मतलब 500 से 1300 की रेंज में 5 से 6 ईयरिंग है, और 500 से नीचे ही है ऑलमोस्ट सारे, 300, 450, 400, 500 उस रेंज में ही है। तो अगर मैं बात करूँ कि हम ईयरिंग्स कहाँ से लेते हैं तो दो जगह से हम प्रेफर करते हैं, एक तो पिंक सिटी है गांधीनगर जम्मू में, उनके पास ईयरिंग्स की कलेक्शन बहुत अच्छी होती है पर थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, एंड बाकी जो है सिटी परेड आपको पता है जम्मू का फेमस मार्केट है, जो 500 के अंडर है तो उनके पास भी बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे ईयरिंग्स मिल जाते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए आपको थोड़ा तलाश करने के लिए टाइम होना चाहिए। 8:30 तो मम्मा पापा भी आ गए तो बुला रहे थे, बोलते आ जाओ डिनर का टाइम हो गया, आज बट राइस है साथ में राजमा की दाल। पापा हमारे इयररिंग्स देखे, इतनी दुकान पर नहीं है तेरे को? नहीं यार है अभी और भी है, ये कम निकाले हुए हैं, कान त्रोड़े निकाल के है, हल्के हैं कोई जिससे करते हैं बड़े बड़े भारी, हल्के बाला बाला कितना भारा था कितना भारा कुड़ियां नु नहीं लगता भारा।
ना ला करो ए गाइस, और इधर बेइज्जती होती हुई अगेन। तो इसी के साथ हमारी तिजोरी हो गई पैक। कितने अच्छे लग रहे हैं यार, तो गाइज आज का व्लॉग ऐसे ही था। वी होप आपको हमारी कलेक्शन पसंद आई होगी, एंड इसी का अगर पार्ट टू भी चाहिए तो बता देना। इसी का पार्ट टू नहीं है, वो वेस्टर्न ड्रेस। हाँ, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एंड गाइज बहुत सारे लोगों ने विशेस दी, मतलब जो पेमेंट आई बहुत अच्छा लगा सबका। बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। तो शुक्रिया करना तेरे, अच्छे अच्छे कमेंट किए, दिल खुश हो गया। ऐसे ही यार सपोर्ट देते रहो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। बाय, टेक केयर।